बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया नंबर वन वर्ल्ड क्रिकेट में बन सकती थी तीनों फॉर्मेट में, लेकिन टीम इंडिया ने कहा जी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को लेकर, और हमको अभी फिलहाल कुछ रिकॉर्ड कुछ माइलस्टोन से ज्यादा फोकस करना है हमें अपने वर्ल्ड कप वाले शेड्यूल को लेकर। अब खबर आ रही है कि यार शुभमन गिल को अगले मैच में टीम इंडिया जो है वो रेस्ट करा सकती है, और ये सवाल थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा उन तमाम क्रिकेट फैंस को जो इस बात को जानते हैं कि शुभमन गिल अगर 20-25 रन और बनाते हैं तो वो बाबर आजम को रिप्लेस करके वर्ल्ड नंबर वन बन सकते हैं। जी हाँ, और इसीलिए हमारा सवाल आपसे कि क्या शुभमन गिल को ऐसे मौके पर रेस्ट करवाना चाहिए, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए बीसीसीआई को कि आप अपने बैट्समैन को ओडीआई का नंबर वन बैट्समैन बनाकर ले जाएं वर्ल्ड क्रिकेट में वर्ल्ड कप खेलने। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही यह खबर आई थी कि अगर शुभमन गिल 200 रन और बना लेते हैं तो वो बाबर आजम से आगे निकल जाएंगे रैंकिंग में, और बाबर आजम जो बीते 900 दिनों से ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन बने हैं वो नंबर दो हो जाएंगे, शुभमन नंबर एक हो जाएंगे। अब शुभमन गिल ने पहली पारी में खेले 74 रन, दूसरी पारी में खेले 104 रन, और दोनों अगर मिला दे तो हो जाते हैं 178 रन, यानी शुभमन गिल को सिर्फ 22 रन चाहिए बाबर आजम को हटाकर वर्ल्ड नंबर वन बनने में, और बीसीसीआई ने उनसे कहा कि आप रेस्ट कर लीजिए। ऑल्सो शुभमन गिल के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे शुभमन गिल 23 साल की उम्र में यंगेस्ट बैट्समैन बने थे जिन्होंने दोहरा शतक मारा था, शुभमन गिल सेंचुरी मारने वाले T20 क्रिकेट में भी यंगेस्ट इंडियन बैटर बने थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में मारा था, और ओवरऑल तो वर्ल्ड क्रिकेट में यंगेस्ट वो बन गए थे। लेकिन अब जब वो यंगेस्ट प्लेयर बन सकते हैं सबसे कम मैचेस खेलकर वर्ल्ड नंबर वन बनने के खिताब में, तो फिर यार उनका ये भी सपना रह जाएगा। मतलब आई थिंक सबसे कम किसका है, जिस शायद धोनी बहुत जल्दी बन गए थे, लेकिन शुभमन गिल जिन्होंने बहुत कम पारियां खेली अब तक वो 35 मैचों के बाद वर्ल्ड नंबर वन बनने के घर पर है, और उन्हें उनसे ये भी मौका छीना जा रहा है। सो मेरे लिए ये सवाल थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला है, क्या इंडिया को कभी कभार पर्सनल माइलस्टोन की तरफ खेलते देखना चाहिए, क्योंकि 35 मैचों के बाद वो दुनिया के सारे खिलाड़ियों में सबसे आगे, मतलब उनके आसपास कोई नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है। 35 मैचों के बाद शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट एवरेज है दैट इज 66, कोई नहीं है इतनी दूर तक। शुभमन गिल ने 1917 रन बनाए हैं 35 मैचों के बाद, जो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा है, उनका हाईएस्ट 208 है जो सबसे ज्यादा है, उनके नाम 6 शतक है 9 अर्धशतक है। अगर आप बाबर की बात करेंगे तो बाबर ने 1758 रन बनाए हैं 35 मैचों के बाद, 58 का उनका एवरेज था, हाईएस्ट उनका 125 था, इनका 208 है। बाबर केवल शतकों के मामले में आगे, उनके 7 शतक थे, शुभमन के 6 शतक हैं, बाकी हर जगह। तो इसीलिए मेरे मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि क्या टीम इंडिया को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। यार मतलब ठीक है, बांग्लादेश वाले मैच में आपको बेंच स्ट्रेंथ तय करनी थी, लेकिन शुभमन गिल अभी जस्ट 24 साल 30 साल का लड़का है, और 24 साल की उम्र में आप क्या रस दोगे। विराट कोहली ने लंबे समय तक लगातार खेला, वो फिट थे, फाइन थे। आज विराट को आप रेस्ट देते हुए कहते हुए कि भाई वो 34 साल के हैं 33 साल के हैं, समझ में आता है कि ठीक है आप उनको सेफ बनाते हो, बट आई थिंक शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए था, ये माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता। आज इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन है टेस्ट में, T20 में, ODI में, और हमारा बॉलर नंबर वन है। आप जस्ट इमेजिन करो आपका डोमिनेंस कितना ज्यादा होता सामने वाली टीमों पर जब आप जाते कि आप ODI क्रिकेट के नंबर वन टीम हो जिसके पास नंबर वन गेंदबाज है, नंबर वन बल्लेबाज है। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा माइलस्टोन था। हालांकि शुभमन इस साल नंबर वन है रनों के मामले में, 20 मैचेस में 1230 रन बनाए हैं, और उनके बाद जो प्लेयर इंडिया में रन बनाने वाले हैं वो उनके आधे से भी कम है, आधे से भी कम है। ये अपने आप में उनके डोमिनेंस उनकी टीम की अहमियत को दर्शाता है। रोहित शर्मा ने 570 मैच रन बनाए हैं, हालांकि मैचेस कम खेले हैं, 14 मैचेस खेले हैं। विराट कोहली 3 नंबर पर आते हैं, 556 रन, 12 मैचेस खेले हैं, शुभमन के मैचेस भी ऑलमोस्ट कम है। राहुल 11 मैच में 505 रन, काफी अच्छा है, अगर डबल करते वो भी उनके आसपास पहुंच जाते। ईशान 13 मैच में 409 रन, हार्दिक 12 मैच 372 रन, सूर्य कुमार यादव ने मैचेस खेले 1276 रन, हार्दिक पांड्या अय्यर 6 मैच 216 रन। So, यहां पर जो डिफरेंस है डोमिनेंस है वो है, लेकिन शुभमन को यार मौका मिलना चाहिए था। 104 74, उससे पहले 121, ये उनके लास्ट कुछ रन है। और इस बंदे ने 2023 में तो अलग लेवल पे ही खेला है, 2023 में इसने श्रीलंका के खिलाफ 116 रन मारे हैं, 2023 में इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन मारे हैं, 2023 में इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 112 रन मारे हैं, 2023 में इसने बांग्लादेश के खिलाफ 121 मारे हैं, और 2023 में इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रन मारे हैं। सो ये अनमैचेबल, 5 शतक इस साल मारे हैं, इनसे आगे इंडिया में सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसका नाम है विराट कोहली, ये कमाल है।
24-25 साल की उम्र में सर्वाधिक शतकों के मामले में भी ये चार नंबर पर आ गए हैं, विराट इनसे आ गए हैं, तेंदुलकर आ गए हैं। सो ओवरऑल इनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। और केवल 3 इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं 70 प्लस के एवरेज से एक कैलेंडर ईयर में, केवल 3 है। 2018 में कारनामा विराट कोहली ने किया था, 2018 में ये कारनामा रोहित ने किया था, और 2023 में फिलहाल शुभमन गिल कर रहे हैं। ऑल्सो शुभमन गिल अगर 600 कुछ रन बना लेंगे तो वो तेंदुलकर के ऑल टाइम हाईएस्ट रन एक कैलेंडर ईयर में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सो क्या उनको मैचेस नहीं मिलने चाहिए थे? मुझे लगता है यार एक मैच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शुभमन गिल अभी एक मैचेस इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप प्लस 4 मैच और हैं जिसके जरिए वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, बाबर का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। सो उनको मिलना चाहिए था, आपके ऑलरेडी सारे बॉक्सेस टिक हैं, रोहित अच्छी फॉर्म में, विराट अच्छी फॉर्म में, अय्यर अच्छी फॉर्म में है, राहुल अच्छी फॉर्म में, स्काई अच्छी फॉर्म में, ईशान अच्छी फॉर्म में, हार्दिक अच्छा खेल रहे हैं, जडेजा अच्छा खेल रहे हैं, शमी, बुमराह, अश्विन, कुलदीप सब अच्छा खेल रहे हैं। एक आदमी का रिकॉर्ड अगर बन सकता है तो यार बनने दो ना यार, मतलब क्यों नहीं बनने दे रहे, उसे वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहिए था।